पे अभी जगह चेंज कर दिया मैं वहाँ से, लेकिन थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा था। ओ भाई साहब मुझे क्या मिला अभी, ये क्या चीज़ है भाई, के बाद ना मजा ही अलग है। तो हे गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो गाइस नई वीडियो की नई शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई मैं आज आ रहा हूँ आपके जंगल सोलो कैंपिंग करने के लिए। तो चलो फिर जल्दी से भाई अपने बैग उतार लेते हैं, और टाइम भाई इस टाइम पे 1:15 हो चुका है। जल्दी से अपना टेंट लगाएंगे और उसके बाद देखते हैं आगे क्या बनाते हैं, आपको आगे पता चलेगा। तो भाई कुछ अपनी ये लोकेशन है, देखो सामने ये देखो, तो यहीं पर ही लगाता हूँ अपना कैंप। जगह वैसे कम है, तो ये जगह भी ना अजीब सी है, देखो ये वाला पहाड़ मतलब ऊपर खाबड़े पत्थर पहने। चलो जो भी है यहाँ पर लगा देते हैं, देखते हैं। धूप भी भाई निकल चुकी है, कभी छाए कभी धूप हो रही है। चलो जो भी होता है करते हैं जल्दी से, और आगे की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं, मजा आने वाला। चलो भाई अपना बैग तो मैंने ओपन कर दिया है, ये अपना सामान, अपना कैंप, और ये अपनी स्टिक, उसका ये हेड माउंट, ठीक है, इसको उसमें लगा देते हैं, तब उसके बाद कार्रवाई स्टार्ट करेंगे अगली। तो भाई शॉर्ट तो मैंने अभी ले लिए, इससे दोबारा लगा रहा हूँ, फिर टूट जा रहा ना, बार बार एक बार गिरा था इसकी ना टोपी टूट गई ऊपर की, फिर दोबारा जोड़ा मैंने, इसलिए इसको निकालना पड़ा काम करने के बाद एकदम। तो अब लगा देता हूँ, कार्रवाई स्टार्ट करते आगे। चलो भैया तो खोल लिया मैंने, यहाँ पे टेंट लगाता हूँ। तो चलो गाइस यार मैंने अपने यहाँ पे अभी जगह चेंज कर दिया मैं वहाँ से, लेकिन थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा था वहाँ पे ऊपर खाबड़, तो मैंने साइड में ऊपर कर लिया, वहाँ पर ही लगाऊंगा आप कैंप, वहाँ पर थोड़ी जगह भी ना सही होगा, तो बढ़िया सी है। चलो फिर जल्दी से कैंप लगाते हैं, अब आपको आगे दिखाते क्या होता है, क्या करता हूँ मैं। कैंप मैंने निकाल दिया है, अब कैंप लगाता है जल्दी से, देर हो रही थी। ये अपना पहले तिरपाल है, ठीक है, कैंप के नीचे से लगाऊंगा, नहीं तो फट जाएगा या फिर दिक्कत आ जाएगी ना। सबसे पहले इसको लगा दी, नीचे के जानवर इतने सांप सूंप कीड़े मकोड़े, तो वो भी कुछ काटते नहीं है, फिर ये मोटा सा रहेगा। तो चलो इसको बिछाते हैं, पहले बिछाने से पहले ना ये लकड़ियाँ भी है इसको साफ कर देते हैं, मेरे ना चूल्हे की काम आए, चूल्हे जलाऊंगा ना, थोड़ा बहुत होगी तो ये सामने से ला जाऊंगा। ये देखो ये लकड़ियाँ ना, ये देखो अकेला आदमी का ना पूरा जुगाड़ हो जाता है थोड़ा, उसमें ज़्यादा होते, जैसे हमने पिछले बार करी थी ग्रुप कैंपिंग, तो उसमें तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, मतलब यहाँ पर तो अपना हो जाएगा आज। देखो ये मज़ा आने वाला आपको, इसको हो गया मेरे पे इकट्ठा, तो अपनी लकड़ियाँ हो चुकी है। वैसे यार तो इतनी तगड़ी हवा चल रही ना, ओहो कहीं आज टेंट ना उड़े भाई, खाना बनता कि नहीं बनता कोई पता नहीं है, क्योंकि बहुत ही हवा चल रही, मौसम बदल गया ऊपर गए पहाड़ का ना, एकदम बदल जाता है। कोटदार में जैसे हमारे कोटदार में धूप लग रही होगी, यहाँ एकदम मौसम बदल गया, बारिश का ऐसा हो गया, काला हो गया, देख भी रहा होगा वैसे, मगर अब करना तो पड़ेगा ही। चलो जल्दी से करते हैं, कैंप लगाते हैं। भाई अकेले में तो बहुत आफत आती, टेंट वोट लगाने बड़ा बीस में ज़्यादा दिक्कत आती इसमें। अपना बंगला तैयार हो गया, व्हाइट हाउस मस्त से लग चुका है, मगर मैं बोल रहा हूँ ना अकेले में यार दिक्कत आती है, मतलब आखिरी में मैंने लगा ही दिया जैसे भी करके, अब टिका टिका के अपने कंधों पर टिका टिका के, अब जल्दी से ना पत्थर ढूंढते हैं। तो भाई हवा इतनी तेज़ चल रही ना, कैंप ना यूँ उड़ के जा रहा, क्योंकि मैंने इस पर देखो खतरनाक कहाँ उड़ के चले गया, शायद मुझे वहाँ पे ना उसको बंद करना पड़ेगा आगे से, वो हवा उसके अंदर जा रही है तो उसके साथ उड़ जा रहा है। अब सही है, अब मैंने बंद कर दी चैन, तो अब हवा अंदर नहीं जाएगी तो बचेगा।
आगे बढ़ेगा। तो चलो फिर अब जल्दी से पत्थर ढूंढते, पत्थर भी नहीं मिल रहे यहाँ पे भाई, पत्थर ढूंढते हैं जल्दी से। इतना टाइम हो चुका है, 1:50 हो गया भाई, बहुत टाइम लग गया। चलो फिर वो भाई साहब मुझे क्या मिला अभी दिखाता हूँ, क्या चीज़ मिली। वो चीज़ ना बैठी हुई, कब से वहाँ पर ही बैठी, मैं रहा था अभी नज़र पड़ी, मैंने बोला पता नहीं क्या, मैंने बोला पहले मैंने बोला कहीं सांप सूंप तो नहीं है। देखो अभी दिखाता हूँ, ये देखो ये कौन सी चिड़िया, उल्लू तो नहीं है, ये देखो, ये रहा भाई साहब क्या चीज़ है ये, ये रहा ये यहीं बैठी हुई है देखो पत्तों के बीच में, पता ही नहीं चला, पता नहीं क्या चीज़ है। अब ये सोरखी की क्या है, सोरखी है, सोरखी भाई सोरखी है, देखो आंखें देखो वो देखो, ये देखो ये सोरखी है, आंखें दिख रही हल्की हल्की, ये देखो इतना नज़दीक ला गया, शायद घायल होगी तो अलग बात है, नहीं तो भाई इतने उसमें तो उड़ जाती है। देखो आंखें देखो उसकी, भाई साहब कैसे देख रहा हो, करना कहीं अटैक उटैक ना करे। ओ भाई साहब उड़ गया, उड़ गया, ओ वो देखो वो भागा भाई साहब। अबे अंडे भी हैं, अंडे, अच्छा अंडे हैं इसके, ये देखो तब थी बैठी यहाँ पे भाई साहब, ये तो फूट जाएंगे ऐसे में किसी का पैर लग गया तो, ये जानवर खा गए तो। चलो कोई नहीं, अभी आ जाएगी, ले जाएगी अपना, चलो चलो रहने देते हैं। गाइस से एक पत्थर मिल चुका है, एक पत्थर और आ गया। चलो भाई अपने पत्थर पत्थर आ चुके हैं, अब लकड़ी मैंने इकट्ठा करी दी थी यहाँ पर रखी है। देखो ये अपना चूल्हा लग चुका है, ये अपना सामान जो बनाना है, पानी हो गया वो फरेफान हो गया, तो अब स्टार्ट करते हैं। चलो भाई अपनी लकड़ी भी आ चुकी है, हाइट लगा देते हैं। चलो अपने लिए काफ़ी लकड़ी हैं, तो भाई पहले ना ये काला हो जाएगा, मैं आग जलाऊंगा उसको रख दूंगा ना ऐसी, तो ये काला हो जाए, फिर मिट्टी लगाता हूँ तभी जलेगा भी नहीं, काला नहीं होगा ना, तब धोने में भी बाद में आसानी होगी। अब चलो अब आग जलाते जल्दी से, देर ही नहीं करता यार, भूख लग रही हो। चलो भाई अपना चूल्हा लग चुका है, साइड साइड के पत्ते हटा देते ना, आग ना लगे कहीं जंगल में। तो चलो भाई अपनी आग जल चुकी है, पसीना इतना होना, गर्मी बहुत हो रही भाई, बहुत ज्यादा, मौसम तो वैसा ठंडा है मगर उमस हो रही थोड़ी उसके कारण, एक तो मैंने आग जला दी ना उससे ज़्यादा हो रही है। अपना सामान निकालते हैं जो चीज़ बना रहा हूँ, और अभी पहले ना सब्जी सब्जी काट देते हैं, सबसे पहले सब्जी बनाऊँगा फिर उसके बाद जो चीज़ और बनानी है उसके बाद बनाऊँगा। ये अपनी सिगरेट चीज़ है, चक्कू अपना, प्याज, टमाटर, अब ये रही प्लेट। अब पहले काट लेते हैं प्याज, उसके बाद टमाटर, उसके बाद आगे की कार्रवाई बताता हूँ क्या क्या कर रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ मैं। तो चलो भाई जल्दी से बनाने की तैयारी करते हैं, चूल्हा भी बुझने लग गया मेरा, अब इसको डालते हैं अंदर और तेल करते हैं इसमें पहले, अब इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं, उसके बाद ये सब्जी पड़ेगी ठीक है। इस पे इसके अंदर ना अपना सारा मसाला, जितना ही मसाला होता है ना सारा इसके अंदर, ए टू जेड मसाला इसके अंदर है। अब ये मसाले डाल देते हैं,
इसमें सब कुछ है, नमक मिर्च मसाला हल्दी चाट मसाला सब कुछ है इसके अंदर। एकदम स्पाइसी बनाऊंगा, स्पाइसी मस्त। अब इसमें हल्का पानी डाल देंगे, उसके बाद थोड़ा देर इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। अहा भाई खुशबू चलने लग गई भाई। अब इसमें पानी डाल देते हैं थोड़ा। ये आ चुका भाई स्पेशल पहाड़ों का पानी, जिससे स्वाद और बढ़ जाता है। मैं पहाड़ों को रह बसी, मैं ठंडू पानी वाली। मैंने गाने चेंज कर दिए, दिल्ली दुल्ली नहीं, मैं धारों का पानी पीने वालू। ये लोग पानी डाल दे इसको, थोड़ा और देर थोड़ा देर और छोड़ते हैं इसको, उसके बाद अगली कार्रवाई करते हैं। हाँ चलो भाई आगे की कार्रवाई करते हैं। ठीक है, अपनी सब्जी बनी रही है और मैगी का अनबॉक्स करते हैं। वैसे इसमें चार पीस हैं मगर मेरा हो जाएगा, एक दो पीस में हो जाएगा मेरा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो जाता ना क्योंकि इसमें सब्जी भी है, वेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी फिर फेंकना पड़ेगा, क्या फ़ायदा। तो इसने अपने लिए एक दो में हो जाएगा। चलो फिर अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी से। मैगी मसाला, अब इसको रख देते हैं दो, एक मैगी मसाला ना इसमें डाल देते हैं सब्जी में और एक बाद में इसमें डाल देंगे, और ज़बरदस्त स्वाद आ जाएगा इससे, इससे ना और अच्छा फ्लेवर बनेगा इसका। वो भाई कहीं गिर ना जाए, बहुत बड़ा चूल्हा लगा रखा मैंने, इसको हल्का हिला देते हैं, उसके बाद वेट करते हैं थोड़ा पानी, और डालूंगा ना तो। और ये अपनी मैगी, इसको थोड़ा तोड़ देते हैं ना, तैयार है मैगी, बस थोड़ा देर इंतज़ार कर रहा हूँ सब्जी पक जाएगा, और थोड़ी देर और वेट करता हूँ, थोड़ा सब्जी पक जाएगी ना, उबाल आ जाएगा तब उसके बाद मैगी डालूंगा उसमें, मस्त मज़ा आने वाला है। तो गाइस मैंने इसमें और पानी ऐड कर दिया है क्योंकि अब ये मैगी है ना, मैगी डाल दूंगा इसमें, मैंने पूरा तोड़ दी मैगी, अब इसके बाद ये थोड़ा उबलने दूंगा, उसके बाद मैगी डाल दूंगा, तब देखना इसमें मस्त मज़ा आएगा। इसके बाद ना मज़ा ही अलग है। अब भाई आग ना बहुत तकड़ी जल, अब जल रही हवा जैसे चल रही है ना, सब्जी भी उसके अंदर मस्त तैयार हो चुकी है, पानी उबल चुका है। अब ये ऐड करता हूँ मैगी, ठीक है मैगी ऐड करते हैं। तो चलो भाई मैं अपनी मैगी देखो मैंने डाल दी है, ठीक है थोड़ा 5 मिनट इंतज़ार करता हूँ, उसके बाद भाई अपनी मैगी रेडी हो जाएगी, बढ़िया वाली मस्त चटपटी मैगी। अब इसमें सिर्फ मैगी मसाला ऐड करना है अलग। चलो भाई अपनी पूरी मैगी डाल दी मैंने, अब थोड़ी देर में छोड़ रहा हूँ बस। तो चलो भाई अपनी लाजवाब मैगी तैयार हो चुकी है, अब मैगी मूगी खाते हैं, अपना अब लंच करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नहीं अपना भाई, यहाँ पर अब हल्की हल्की धूपिया हुई है, अपने टेंट में बैठते हैं वहाँ पर आराम से करेंगे बैठ के। तो गाइस अपनी मैगी तैयार हो चुकी है, ठीक है चलता हूँ भाई अपने कैंप की तरफ, अभी तो गर्म है ना बहुत, इसको साइड ही रख देता हूँ अभी। और सामने चूल्हा है, इसको बुझा देते हैं, ठीक है साथ साथ में इसको भी स्वाहा कर देते हैं। चलो ऐसे भी ठीक है ना, जैसे चलो बनाते हो जंगल में छोड़ के नहीं जाना चाहिए ना, आग लग जाती गर्मी का टाइम है, इसलिए अपना बुझा बुझा के तब जाओ भाई। पूरा चूल्हा मैंने बुझा दिया, इसको लेके चलते हैं टेंट की तरफ। ये रही मस्त यार मैगी, जबरदस्त बनी है, देखो कलर भी मस्त आ रखा। और अपना एक गिम्बल ये रहा बड़ा वाला। मैगी अपनी तैयार, मैगी खाते हैं, टेस्ट बताता हूँ कैसा है, मैं भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत चेक करके। मस्त पहाड़ का पानी ना, ये पहाड़ का पानी मैंने यहाँ से ले लिया दुगड्डा चुना धार से, तो उसके कारण ना बढ़िया हो रहा है यार, तो उसका स्वाद ही कुछ अलग है, मतलब पानी मेन चीज़ होती जो पूरा गेम बदल देती है वहाँ पे खाने का अलग से। तो चलो भाई स्टार्ट करता हूँ, टाइम हो चुका है इस टाइम पे 3, बहुत टाइम लगा मुझे करते करते। तो अपना लंच करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। स्वाद तो मैंने बता ही दिया, बढ़िया हो रहा था। चलो भाई अब ये तो बहुत ये तो काला हो रखा है वैसे भी, ये ठीक है थोड़ा इसको रख देता हूँ नीचे, क्योंकि खाना मैंने अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ही रख के खा लेंगे।
लाजवाब। तो चलो भाई, अपना सारा सामान मैंने निकाल के इधर रख दिया साइड पे करके, बर्तन बर्तन सारे, और थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ, उसके बाद निकलेंगे थोड़ी देर के बाद। तो चलो गाइस, यार शाम का टाइम हो चुका है, शाम के बज चुके इस टाइम पे भाई 4:30, और मैगी खाने के बाद मस्त नींद आ गई थी, और मस्त बनी थी मैगी। और मौसम भी देख रहे हो भाई, कभी कभी ना मौसम बदल जा रहा है, धूप छाया ऐसी हो रही है, और कभी मौसम ऐसा हो रहा ना, आवाज़ आई गड़गड़ गड़गड़ गड़, मौसम भी ख़राब है, इसलिए निकलते हैं भाई। यहाँ पे ना बाढ़ गई है, मौसम ख़राब हुआ, बारिश आ गई, इसलिए अब जल्दी से निकलते हैं और सीधा चलते हैं अपने कोटद्वार के लिए। तो चलो भाई, अब यहाँ पे खाना पीना अपना हो चुका है, जैसे मैंने बोला नींद भी बढ़िया आई, और क्या बारिश की बूंदें पड़ने लगी भाई। अब जाते जाते चलो मैं अपना जल्दी से टेंट को हटाता हूँ मैं, और उसके बाद निकलते हैं भाई कोटद्वार के लिए। यहाँ ये भीग गया ना तो फिर आफत आ जाएगी सुखाने की, इसलिए फटाफट से इसको करता हूँ, समेटता हूँ और निकलते हैं कोटद्वार के लिए। बारिश खतरनाक आने वाली है, बस अब ये हटा दो फटाफट से। तो फाइनल निकाल से यार अपना टेंट समेट दिया मैंने, ये पूरा बैग में आ चुका है, अब निकलते हैं भाई। हल्की फुल्की बारिश भी आ रही थी और साथ में धूप भी है, साथ में छाया भी है, सब कुछ है पहाड़ में, जो भी है बोलो सब है। तो निकलते हैं यार, और आई होप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय श्री राम।